न्यूज पेपर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है, तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 362 अंक गिरकर 72,470 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 92 अंक नीचे 22,005 पर खिसक गया। इस दौरान बैंक और आईटी समेत कई सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोने में 100 रुपए की कमजोरी रही, ऐसे में ये 66,850 पर खिसक गया। वहीं चांदी 250 रुपए लुढ़क गई, अब ये प्रति किलो 77,750 रुपए पर मिल रही है। बोइंग के सीईओ डेव कैलहोन इस साल के आखिर में अपना पद छोड़ देंगे। बोइंग विमान बनाने वाली अमेरिका की दिग्गज कंपनी है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसके विमानों में हादसों के मामले सामने आए हैं, लिहाजा कंपनी ने कैलहोन समेत पूरे टॉप मैनेजमेंट को बाहर का रास्ता दिखा दिया है।